अभी हल्दी और नमक के पानी में भीगी हुई है, जैसे आप किसी खेत से तोड़ के लाए, किसी केमिकल से पाक हो जाती है। जो भी सब्जी बनाए थे प्याज को ज्यादा ब्राउन नहीं करते क्योंकि सब्जी का अपना कलर खराब हो जाता है। पानी भी इसका ड्राई हो गया, ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया। अब डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं, देखें कलर देखें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ठीक रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खैरियत से रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। न्यू वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी आलू। ये देखें, ये मेथी बना रही हूँ, इतनी प्यारी मेथी आई हुई है माशाल्लाह, और बहुत मज़े की बनती है सब्ज़ी, बहुत अच्छी बनती है मेथी। इसमें आलू डालेंगे जितने रिक्वायर्ड होंगे। मैंने हाफ़ के जी मेथी लिए, 500 ग्राम मेथी लिए, और हाफ़ के जी इसमें मैं आलू ऐड करूँगी। इसमें ऐड होगी प्याज, ये मैंने लिए प्याज, बड़ी हो तो एक अदद ले रहे, छोटी है तो मैंने 3 अदद लिए, लेकिन मैं इसमें 2 ऐड करूँगी। बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है, कैसे बनती है, क्या क्या चीज़ें इसमें जाएंगी, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड होंगे, सब कुछ आपके साथ शेयर होगा। कि चले हम अपना मेथी तोड़ना स्टार्ट करते हैं। मेथी तोड़ते हैं, ये देखो बस इसके पत्ते जो होते हैं वो निकालने पड़ते हैं, बस इस तरह से। जो इसके डंठल है ना वो नहीं डालिएगा, वो बहुत कड़वे हो जाते हैं। कि आपको पता है, मैं अपनी मदर की रेसिपी आप लोगों को बताती हूँ, उन्हीं को मैं फॉलो करती हूँ, और जब तक ज़िंदगी है उन्हीं को फॉलो करती रहूँगी। बस नए देखने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए, आप लोगों से कोई वीडियो भी मिस ना हो। ये जितनी मेथी है मैं आप तोड़ लेती हूँ, फिर हम आपको रेसिपी बताते हैं किस तरह से ही बनेगी। चलो ठीक है, फिर आपको मिलते हैं रेसिपी में। अभी ये हल्दी और नमक के पानी में भीगी हुई है, आधे घंटे तक मैं भिगो के रखूँगी, फिर मैं आपको रेसिपी बताऊँगी किस तरह से ही बनेगी, कैसे बनेगी, कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स इसके अंदर जाएंगे, तो हम आपको रेसिपी में मिलते हैं। सबसे डिफरेंट होगी, आलू का कलर भी बहुत अच्छा होगा, ये देखें हल्दी और नमक के पानी में, ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, इसका वाटर ड्रेन कर लिए और इसको निकाल लिया हमने छन्ने में, हल्दी और नमक के पानी में। देखें कितना हरा भरा कलर हो गया, जैसे मेथी होती है, मेथी लगी होती है खेतों में, बगीचों में, ये देखें खेतों में लगी होती है मेथी, इस तरह की मेथी हो गई, हरी भरी का अपना ओरिजिनल कलर आ गया। इतनी प्यारी मेथी, ज़बरदस्त जायकेदार मेथी हो गई। आलू देखें कलर वाला कितने प्यारे हो गए, इसी तरह इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसका कलर बहुत प्यारा हो जाता है। ये पहले जैसी मेथी हो जाती है, जैसे आप किसी खेत से तोड़ के लाए, तो बस ये केमिकल से पाक हो जाती है मेथी। चलिए आप रेसिपी आगाज़ करते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने लिया पैन, इसमें ऐड करेंगे ऑयल, हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। हाफ कप ऑयल लिए और अब इसमें ऐड करेंगे हम ऑनियन। मैंने ऑनियन लिया, अगर बड़ी हो तो 1 लें, एक ऑनियन लें, एक प्याज लें, अगर छोटी हो तो 2 मीडियम साइज़ की ले लें। और ये मैंने लिया है लहसुन, देसी लहसुन लिया, ये 8 से 10 जवे लहसुन के लिए, और इसको बारीक बारीक सा मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है, काट लिया। ये ऐड होगा, इसमें जाएगा वाइट ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा ऐड होगा 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच। इसमें जाएंगी छोटी वाली हरी मिर्चें, ये देखें ये मैंने छोटी हरी मिर्चें लिया 8 से 10 अदद, ये ऐड होंगे। और इसमें जो स्पाइसेस ऐड होंगे वो होंगे चिल्ली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, टर्मेरिक 1/2 टेबल स्पून, सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच नमक। ये ऐड होगा, कैसे ऐड होगा, कहाँ पे ऐड होगा आपको बताते हैं। चलो रेसिपी का आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम से। ये देखें, ये लिया हमने ऑनियन, ऑनियन डाल दिए इसमें, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसको वाइट कलर की करेंगे क्रिस्टल होने तक। जो भी सब्ज़ी बनाएं, एक्स वाई जेड कुछ भी आप बनाएं, उसमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करते क्योंकि सब्ज़ी का अपना कलर ख़राब हो जाता है। अभी देखें मैंने आपको कितना अच्छा ट्रिक बताया है, हल्दी के पानी और नमक के पानी में इसको भिगो दें, इसका अपना प्यारा सा ग्रीन कलर आ जाता है। क्योंकि हम जब मेथी ख़रीद के बाज़ार से लेके आते हैं तो बिल्कुल मुरझाई हुई होती है, बदमज़ा होती है, बद खुशबू होती है, इसमें खुशबू नहीं होती। आप माशाल्लाह हल्दी डालिए, नहीं मज़े की खुशबू, और इस जब बनाएंगे बहुत लज्जत वाली बनेगी, नहीं लजीज इंशाल्लाह बनेगी। मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। और साथ ही मैं इसमें ऐड करती रहूँगी हल्का सा, ही देखें कलर चेंज हो गया। अब मैं ऐड करूँगी अपना लहसुन, लहसुन जाएगा इसमें 8 से 10 जवे, देसी लहसुन डालना है, बड़ा वाला लहसुन नहीं डालना, उसकी खुशबू नहीं आती। चाइना लहसुन की ये वाला लहसुन ऐड करिएगा, देसी लहसुन 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा इसी कंडीशन में आपने डालना, जब प्याज इस कलर की हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। इसमें
जीरा और लहसुन ऐड कर दिया, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसी रेसिपी से बनाएगा, इसमें मैं टमाटर ऐड नहीं करती हूँ। अब इसमें ये जाएगी हमारी चिल्ली, इसका कलर हो गया वाइट, देखें क्रिस्टल कलर में हो गई, इसको ज़्यादा हमने कलर नहीं देना। इसमें हरी मिर्च जाएगी, ये देखें ये इसमें स्पाइसी ऐड होंगे, एहतियात से करिएगा क्योंकि हरी मिर्ची ऊपर उछल के आती है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा ताकि हरी मिर्ची ऊपर उछल कूद ना करें, क्योंकि आपको पता है ऑयल में तो ये फ़ौरन फट सी जाती है, बीच में से ये चाक हो जाती है, तो फ़ौरन इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। तेज़ आँच करिएगा, तेज़ आँच में मसाला अच्छा सा फ्राई हो जाएगा, ऑयल बाहर आ जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा और ये मसाला अच्छा सा रेडी हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, इसी पॉइंट पे इसी पे हमारा मसाला अच्छा सा रेडी हो गया। हम ऐड करेंगे अपना मेथी आलू, ये इसमें जाएगा। पता नहीं स्क्रीन पे आपको इतना नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन जो मेरे अपने सामने है नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत कलर है। देखिए माशाल्लाह से इसको अच्छे से मिक्स करना है, और आपको पता है मेथी में सब्ज़ियों में बहुत ज़्यादा पानी होता है, आलू में भी बहुत पानी होता है, सारी ऑल सब्ज़ी जितनी भी वेजिटेबल्स है सब में बहुत वाटर होता है, तो इसका वाटर अपना निकलेगा। सिर्फ मैं 2 टेबल स्पून 2 खाने के चम्मच पानी ऐड करूँगी, हाफ़ कप के करीब, बस हाफ़ कप के करीब पानी ऐड करूँगी, क्या ताकि आलू और मेथी अच्छे से गल जाए। और ये 10 मिनट लगते हैं इसको, 10 से 15 मिनट में ही रेडी हो जाएगी, फिर आपके सामने ये दिखाते हैं, डिश आउट करते हैं। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी, सिर्फ मेथी तोड़ने में टाइम लगता है और ये झटपट बनने वाली रेसिपी। और ये देखिए 2 से 3 टेबल स्पून इसमें मैंने पानी ऐड किया, बस अभी आप देखिएगा इसमें से खुद इसका पानी निकलेगा, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, बिल्कुल हलवा हो जाएगी सब्ज़ी। बस इसको मीडियम आंच पे रख के कवर करते हैं, 10 मिनट बाद आप लोगों को दिखाते हैं। ये माशाल्लाह फ्लेम ऑफ़ कर दिया मैंने 10 से 15 मिनट होगा, और ये देखें माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें, ये ज़बरदस्त सब्ज़ी बनी है, बहुत प्यारी। पानी भी इसका ड्राई हो गया, ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया, अब डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखें कलर देखें, बहुत प्यारी सब्ज़ी बनी है, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत जायकेदार, बहुत अच्छी, मेरे पूरे किचन में इसकी खुशबू महक गई है। बस ये देखें माशाल्लाह से डिश आउट कर दिया मैंने, बहुत ज़बरदस्त बहुत ब्यूटीफुल खुशबू आ रही है, और ये देखें सारा ऑयल इसके अंदर आ गया है, आप खुद देख सकते हैं सारा वाटर इसमें ड्राई हो गया, अच्छी तरह से भुन गया है माशाल्लाह। 10 मिनट में ये हांडी तैयार हो गई है, मेथी और आलू की सब्ज़ी, इसमें टमाटर मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किए। ये देखें कितना खूबसूरत और कितना प्यारा कलर आया, और ये देखें आप गार्निश कर लें। ये मैंने बनाया हमारा तो पाकिस्तानी फ्लावर तो है जैस्मिन, लेकिन ये देसी फूल है हमारा गुलाब का, हर खुशी में हर गम में इस्तेमाल होता है। मैंने ये टमाटर से फ्लावर बनाया, ऐसे ही आप लोग गार्निश किया करें, बहुत मज़े का बहुत लजीज, हर चीज़ एक्यूरेट है इसमें, मिर्ची नमक सब स्पाइसेस बराबर हैं, कोई चीज़ की कमी ज़्यादती नहीं है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे, और चपाती के साथ, सलाद के साथ, रायते के साथ सर्व करें जो आपका दिल चाहे, और ऐसे ही बनाएं। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बस इतना ही कहना है। अल्लाह पाक हासिदों के हसद से बचाए, बुरी नज़र से बचाए, बद नज़र से बचाए, बुरे दुश्मनों से दूर रखे अल्लाह पाक, और अल्लाह ताला आप लोगों को भी सबको महफूज रखें। मैं आप लोग मेरी दुआओं में शामिल रहते हैं, बस आप लोग भी दुआ किया करें सबके लिए और दुआएं लिया करें, और ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, सब्ज़ी दालें सब चीज़ें ट्राई किया करें, बहुत लजीज बनती हैं, सिर्फ बनाने का तरीका आना चाहिए, बाकी हर चीज़ बच्चे भी शौक से खाएँगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कॉमेंट्स बॉक्स में लाजमी, कैसी बनी है रेसिपी, और ये आप लोगों की तरफ से गिफ्ट होता है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करा करें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास आए और कोई वीडियो आप लोगों से मिस ना हो जाए। और इंशाल्लाह रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अब नई वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे, अच्छी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, नई वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। बस इतना ही कहना है, जिए और जीने दें, जब तक के लिए सारा तबस्सुम का अल्लाह हाफिज़।